बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर शिरीष नारायण चौधरी, आस्था प्लास्टिक सर्जन, आस्था प्लास्टिक सर्जरी व कॉस्मेटिक सेंटर जलगांव रिंग रोड महाराष्ट्र का हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जन्मतः फटे हुए जिन बच्चों के होठ जन्म से फटे रहते हैं, तालु जन्म से फटे रहते हैं, इस तरह के पेशेंट्स का बच्चों का ऑपरेशन 2007 से किया जा रहा है। इस काम में स्माइल ट्रेन इंडिया और की मदद से ये काम जलगांव महाराष्ट्र में हो रहा है। अभी तक तकरीबन 11,000 के आसपास ये ऑपरेशन हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऑपरेशन हमारे ही सेंटर में अभी तक हुए हैं। इसमें जिन बच्चों के होठ फटे हैं, तालु फटे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो बच्चे 3 महीने से लेके 60 साल की उम्र तक के बच्चों के, हमने बच्चों के नहीं बोल सकते अपन, 60 साल की उम्र के लोगों तक के हमने ऑपरेशन किए हैं। जिन लोगों के ऑपरेशन गरीबी की वजह से या जिनको इस तरह की फैसिलिटी मिल नहीं पाई और उनकी उम्र बड़ी हो गई, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, उन पेशेंट्स के भी ऑपरेशन इनमें किए जाते हैं। उम्र का कोई बंधन नहीं रहता है। और जिन लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं और उनके ऑपरेशनों में कुछ और उनमें कुछ प्रॉब्लम रह गई, जैसे होठ टेढ़े मेढ़े रह गए हैं या नाक बैठी रह गई है, नाक ढंग से नहीं दिख रही है, या फिर जिनके तालु के ऑपरेशन के बाद कुछ छेद रह गए हैं या हड्डी का गैप रह गया है, या तालु के ऑपरेशन के बाद जो लोगों के आवाज हम समझ नहीं पाते, ढंग से आ नहीं पाते, उन सभी लोगों के लिए भी पुनः वापस से ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है और भी अच्छा किया जा सकता है। इन सब में उम्र का कोई बंधन नहीं रहता है। और सबसे महत्व की या इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरी तरह से निशुल्क है, मुफ्त है। इसमें किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह का 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आता है। पूरा ऑपरेशन, बेहोशी, जांच, दवाइयां, ये सब की सब मुफ्त मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा भी उनको पेशेंट्स है और उसके माँ बाप है, इनको जलगांव तक आने का और जाने का, चाहे बस से आए, ट्रेन है, पूरा का पूरा किराया वापस दे किराया दे दिया जाता है। खाने की व्यवस्था है, बच्चों को दूध बिस्किट देते हैं और सभी तरह की सुविधाएं, यहाँ पे रहने की भी सुविधाएं की हुई है। सभी तरह की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में इन बच्चों के लिए मौजूद है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो दूर दराज गाँव में पीएचसी के लोग हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, सरपंच हैं, इस तरह के लोग जो भी हैं, वो इसको जन जागरण बनाए। ये लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं आज स्माइल ट्रेन की तरफ से उपलब्ध की हुई है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, खाली इन सब लोगों ने मिलके उनको मार्गदर्शन करना है, रास्ता दिखाना है कि आप वहां जाइए यहाँ पे, और उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। ट्रीटमेंट की पूरी ट्रीटमेंट उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। तो इन सब ये एक सामाजिक काम है। हमको एक भी पेशेंट, जैसे हम पहले बात करते थे कि पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं रहना चाहिए, इसी तरह से हमारा प्रयास तो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में, हमारे एमपी में और गुजरात में, या फिर आप ऐसा कहिए पूरे भारत में, कहीं पे भी दुनिया में, भारत ही क्यों, इस तरह का कोई भी एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। कोई भी कारण नहीं कि जिसकी वजह से बच्चों के ऑपरेशन ना हो। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप ये हमारे हॉस्पिटल के हम नंबर भी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराएंगे, आप उन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप फोन पे भी हम परामर्श कर देते, फोन के नंबर देंगे, व्हाट्सएप पे आप फोटो भेजिए, पुराने ऑपरेशन है उनके फोटो भेजिए, हम व्हाट्सएप आपको सलाह देंगे
कि किस तरह से करना है, क्या करना है, उसको क्या जरूरत है, और ये पूर्णतः मुफ्त है, इसलिए आप इसका पूरा फायदा उठाएं। आजू बाजू आपके कोई गरीब लोग हैं या जो यहाँ नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए आप मदद करें, और किसी भी यही हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे। और एक चीज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जिस माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं, ये रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल बहुत ही एक बेहतरीन उम्दा किस्म का ये काम कर रहे हैं। इनके वीडियोस बहुत ही जन जागरण के लिए उपयोगी हैं। कई तरह की इन्होंने और भी बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस जो कॉमन लोगों को इसके मालूमत मिले, कई तरह से पढ़ाई के संबंधित, टीचिंग के संबंधित और भी कई प्रॉब्लम्स के संबंधित उन्होंने बहुत ही इस तरह का जन जागरण का काम किया और बेहद पॉपुलर है ये। तो मैं रब्बानी जी जो इनके जो ये सब बनाते हैं और इस तरह के जो जन जागरण के और जन सेवा के काम कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और कि वो इस तरह के काम वो कर रहे हैं और ज्यादा लोगों की समस्याएं सुलझाने में वो मददगार साबित हों। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। धन्यवाद।
55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।